हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक ईयरबड्स मंगवाया हूँ जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन सी कंपनी का है और इसको कैसे यूज़ करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इसको क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहले वाले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास ईयरबड्स और इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी का नाम है पेट्रॉन। आप इसका ईयरबड्स देखेंगे कि क्या है इसकी क्वालिटी और जो इसका प्राइस है आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 798 रुपये का है, आई थिंक लगभग 900 रुपये का है, नहीं 798। तो इसको रखते हैं साइड में और इसमें देखते हैं जो इस पैकेट में आपको कौन सी कंपनी का मिलता है। और आई थिंक ये पूजा हेगड़े है जिसने इसका ब्रांड एम्बेसिडर है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो अभी हमारा खुल चुका है, यहाँ पे ये QR कोड दिया गया है जिसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्कैन करने के लिए। और यहाँ पे एक और दिया गया है इम्पोर्टेंट नोट्स। तो आप देख सकते हैं इसके साथ आपको ये ईयरबड्स का बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। और इसके साथ में और क्या क्या देखने को मिलता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कि इसके रबर दिया गया है, जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक्टिवेट, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी ऑन है तब इसको हम पेयर करेंगे और देखेंगे। और इसका सबसे बड़ी बात है टाइप सी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एडाप्टर जो इसके साथ आप चार्जिंग में लगा सकते हैं नीचे से। तो इसको हम ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स, ये है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है और ये ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ज करना हो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि इसको हम इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, जैसे लगाएंगे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। जैसे हम अडाप्टर, जैसे कि मेरे पास और भी है तो मैं उसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप सी यहाँ से लग गया, अब ये ब्लिंक हो रहा है, अब यहाँ से ये चार्ज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, यहाँ से इसको लगा सकते हैं। अब मैं इसको कनेक्ट यानी कि पेयर करके देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो हम यहाँ पर इसको हम निकालेंगे चार्ज को, ये मैंने आपको लगा के दिखा दिया, अभी ब्लू में यानी कि चार्ज है ये अभी। और इसको मैं पेयर करूंगा अपने मोबाइल से।
तो यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया है जिससे आप इसको जैसे इसको हम निकालेंगे वैसे ही ये पेयर होना पेयर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको फटाफट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लूटूथ को पेयर करने के लिए ब्लूटूथ पे दबा के रखेंगे, ये ऑप्शन खुल जाएगा। पेयर न्यू डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन है, देख सकते हैं ये आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये साउंड इसका बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 70% चार्ज दिखा रहा है मुझे ये, और मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। अब मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ से एक प्ले करके सुना देता हूँ। तो साउंड आप सुन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सुनाई दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है, काफ़ी कमाल का है। और इसके मैंने ईयरबड्स को लगा के देखा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसके आवाज़ है जो कि काफ़ी लाउड है, इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है, और ये जो लाउड होता है तो आपको इरिटेटेड नहीं लगेगा, काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ है, काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है ये ईयरबड्स। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।